हेलो एंड वेलकम टू योर जयदोस्त चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनआरएफ रैंकिंग ऑफ आईआईटीज ऑफ ईयर 2020 गिवन बाय एमएचआरडी। आई एम लिखिलेश बाल पांडे, करंटली डूइंग माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। अगर आपको नहीं पता कि एनआरएफ रैंकिंग किस तरह से कैलकुलेट होती है, इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं और किसका कितना वेटेज होता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आई कंसिडर कि आपने वो वीडियो देख लिया है और आपको एनआरएफ रैंकिंग फॉर इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ पता है। तो चलिए देखते हैं आईआईटी के एनआरएफ रैंकिंग को। फर्स्ट पे आता है आईआईटी मद्रास, जिसका स्कोर है 89.93। सेकेंड पे है आईआईटी दिल्ली, जिसका स्कोर है 88.08। थर्ड पे है आईआईटी बॉम्बे, जिसका स्कोर है 85.08। अगर आपको एनआरएफ स्कोर किस तरह से कैलकुलेट किया है और क्या होता है उसके पीछे, अगर वो कैलकुलेशन और उसका वेटेज वगैरह नहीं पता, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। लिंक आपको पता है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फोर्थ पे है आईआईटी कानपुर, स्कोर है 82.18। फिफ्थ पे है आईआईटी खड़गपुर, स्कोर है 80.56। सिक्स पे आईआईटी रुड़की, सेवन पे आईआईटी गुवाहाटी, एट पे है आईआईटी हैदराबाद। यहाँ से शुरू होगी आपकी सेकेंड जनरेशन आईआईटीज। तो टेंथ नाइन्थ पे है, एट पे आईआईटी हैदराबाद। अब ये जो बीच में जो नाइन्थ छूट गया है, इन दोनों के बीच में वहां पे है एनआईटी ट्रिची। मैं आपको जो रैंक बता रहा हूँ वो इंजीनियरिंग में आईआईटी की रैंक बता रहा हूँ, ना कि आईआईटी का ऑर्डर। तो 10th पे आता है आईआईटी इंदौर, जो कि सेकेंड जनरेशन आईआईटी है, 82.62.88। 11th पे आता है आईआईटी वाराणसी। 12th पे है आईआईटी धनबाद। फिर अचानक से बीच में देखिए गैप है 12 से लेकर 22, जहाँ पे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते होंगे। 22 पे है आईआईटी भुवनेश्वर, 24 पे आईआईटी गांधीनगर, 25 पे आईआईटी रोपर, 26 पे आईआईटी पटना, उसके बाद है आईआईटी मंडी 31 पे, और फिर 53 पे है आईआईटी जोधपुर। तो इस तरह से हो जाती है आपकी सभी आईआईटीज की रैंकिंग्स। मतलब ये रैंकिंग है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, जिसमें ये ऑर्डर है आईआईटीज का और ये उनके रिस्पेक्टिव स्कोर है। ऊपर आप देख सकते हो कि बहुत ही कम गैप है, मतलब 1 पॉइंट की गैप, फिर आती है 2-3 पॉइंट्स। तो इससे काफी कुछ पता चलता है, लेकिन अभी हम वो खैर एनालिसिस यहाँ पे नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में। और उसके बाद है ये न्यू आईआईटीज की रैंकिंग, जो अभी तक आई नहीं है, जो कि आ सकती थी, अभी 2021 में आ जाएगी लगभग। उसका नया वीडियो भी मैं आपको तो मिल जाएगा आराम से, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो। और बाकी सब रिलेटेड कॉन्टेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।